कैसे हो माइनक्राफ्ट के दीवानों? क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे माइनक्राफ्ट में ताजमहल आ जाए तो कैसा लगेगा, या हमारे विलेजर्स बिल्कुल इंडियन बन जाए? तो यही सब मजे करने के लिए मैं खेलने वाला हूँ माइनक्राफ्ट इंडिया, जिसके अंदर मैं मीठे मीठे गुलाब जामुन भी खाऊंगा और साथ के साथ ट्रेन में भी ट्रेवल करूंगा। तो अपने प्यारे प्यारे हाथों से जल्दी से सब्सक्राइब करो और आ जाओ वीडियो के अंदर। लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले यहाँ पर अपने नॉर्मल वर्ल्ड में जाते हैं और जरा देखते हैं कि क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। जरा ये देखो यार, यहाँ पर तो कुछ भी इंडिया जैसा नहीं लग रहा है। एक मिनट, मेरी स्किन भी इंडिया जैसी नहीं लग रही है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक इंडियन स्किन पहनने वाला हूँ और जरा अब देखो, लग रहा है ना एकदम इंडियन बंदा। और आपको तो पता ही है कि इंडिया में कितना ज्यादा डांस का क्रेज है। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया इमोटीक्राफ्ट को, जिसकी मदद से मैं माइनक्राफ्ट में भांगड़ा कर सकता हूँ। और यार बहुत ज्यादा मजा आ रहा है माइनक्राफ्ट में भांगड़ा करने में। और यार इतना ज्यादा भांगड़ा करने के बाद मेरे को बहुत ज्यादा भूख लग रही है। और सुनो, मैं खाना खाने के लिए इस काउ को कुछ भी नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि इंडिया में गौ माता की पूजा करते हैं। तो मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए एक बढ़िया सा विलेज ढूंढता हूँ, जहाँ पर मेरे को मीठे मीठे से गुलाब जामुन खाने को मिले। ये तो मेरी किस्मत अच्छी थी कि मेरे को पास में ही विलेज मिल गया। लेकिन यार एक छोटी सी दिक्कत है, ये विलेज कुछ ज्यादा ही छोटा है। तो मैंने यहाँ पर बेटर विलेजेस मोड की मदद से इस पूरे विलेज को एक बड़े से विलेज के अंदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। और यहाँ पर बढ़िया सी फार्मिंग होती है, बड़े बड़े से विंडमिल्स है और कुछ ऐसे भी जुगाड़ कर रखे हैं जो सिर्फ आपको इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। और इस विलेज का एक एक घर बहुत ज्यादा बड़ा है और हमारे इंडिया की पॉपुलेशन 1.4 बिलियन से भी ज्यादा है। और इस विलेज में बस ये 4-5 विलेजर्स हैं, तो मेरे को यहाँ पर थोड़े बहुत विलेजर्स स्पॉन करने पड़ेंगे ताकि यहाँ पर ज्यादा भीड़ दिखे। लेकिन आपने एक दिक्कत नोटिस करी यार, ये विलेजर्स तो बिल्कुल इंडियन जैसे नहीं लग रहे हैं। तो मैंने इनकी पूरी की पूरी स्किन चेंज कर दी है। अब देखो, लग रहे हैं ना बिल्कुल इंडियन अंकल। अच्छा, और लगे हाथ मैंने यहाँ पर आयरन गोलम की स्किन भी कुछ पहलवान जैसी कर दी है। अब आ रही है थोड़ी बहुत फील कि हम इंडिया में आए हुए हैं। ठीक है, अगर आप इन इंडियन विलेजर्स के घर में आओगे तो आपको ड्रेसिंग टेबल तक देखने को मिलेगा। और जरा बालकनी में ले जाकर आपको एक चीज दिखाता हूँ, जरा ये देखो, बोलो जुबा केसरी, इंडिया में सबसे ज्यादा फेमस चीज है ये। तो मैंने सोचा क्यों ना इसको बिल्कुल विलेज के बीच में लगाया जाए। और अगर आप विलेज के नुक्कड़ पर जाओगे तो आपको एक शॉप देखने को मिलेगी, जिस पर बढ़िया बढ़िया पटाखे हैं और साथ के साथ हमारी फेवरेट काजू कतली और गुलाब जामुन भी है। एंड यार मेरे को इस शॉप का मालिक कहीं पर भी आसपास नहीं दिख रहा है। और इंडिया में एक और चीज भी तो फेमस है, चोरी करना। मजाक कर रहा हूँ। तो यहाँ से मैं पटाखे लेने वाला हूँ अपने बढ़िया बढ़िया, और मिठाइयाँ लेने वाला हूँ। वैसे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। वैसे तो मैंने इन काजू कतली को भूख मिटाने के लिए खाया था, लेकिन इसने मेरे को फ्री में स्पीड और जंप बूस्ट दे दिया। यार नीचे गिर गिर कर इतना ज्यादा डैमेज पड़ रहा था ना, वो मैं नहीं खाने वाला हूँ भाई इन मिठाइयों को, बेफालतू में मर वर जाता मैं यहाँ पर। तो अभी मेरे पास बचते हैं ये पटाखे, तो थोड़ा सा रात होने का वेट करते हैं, तब जलाएंगे हमारे पटाखों को। 12:00 midnight। वैसे यहाँ पर रात तो हो चुकी थी, लेकिन रात होने के साथ साथ कोई बिन बुलाए मेहमान भी आ गए। और यार ये नॉर्मल ज़ॉम्बीज बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं, तो मैंने इनकी स्किन बिल्कुल चोरों जैसी कर दी है। और चोर की स्किन दी नहीं, उससे पहले ही भाई साहब चोरी करने घुस गए दुकान में। वेल, इस सब को छोड़ो, यहाँ पर अपने पटाखों को जलाते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर चटखड़ी जलाने वाला हूँ और साथ के साथ ये केक जैसे दिखने वाले अनार को भी जला कर देखते हैं। वेल, ये देखने में इतना खास तो नहीं लग रहा है, बट हाँ माइनक्राफ्ट में पटाखे हैं वो ही बहुत बड़ी बात है। और हमारे पास स्काई शॉट्स भी तो है, ये हुई ना बात। और ये सब पटाखों को फोड़ते वक्त मेरे ऊपर ज़ॉम्बी आर्मी ने अटैक कर दिया, बदतमीज कहीं के। लो फिर, मैंने भी इनके मुंह पर सूतली बम फोड़ दिए। हाँ तो साले को बम से उड़ा दूंगा एक बार हाथ में आ जाए तो। ठीक है, यहाँ पर हमने अपनी स्किन चेंज कर दी, विलेजर्स की स्किन चेंज कर दी, विलेजर्स का पूरा घर बदल दिया और साथ के साथ विमल केसरी का बोर्ड भी लगा दिया। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें करना बाकी हैं। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम इंडियंस को घूमना बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन यार माइनक्राफ्ट ठहरा पुराने जमाने का, अभी भी हमको हॉर्सेस या पिक्स का यूज करना पड़ता है। और साथ के साथ आपको इंडियन ट्रेन्स का हाल भी पता ही होगा। तो इन सबको मध्य नजर रखते हुए मैंने डाउनलोड कर लिया इमर्सिव रेल रोड। तो अब आपको माइनक्राफ्ट के अंदर भी रेल्स देखने को मिलेगी और साथ के साथ ये बुद्धू विलेजर्स फ्री में ट्रेवल कर सकेंगे। एंड इस ट्रेन के पायलट आप बन सकते हो, क्योंकि आपके पास सारे कंट्रोल्स हैं यहाँ पर ब्रेक लगाने के या ट्रेन को चलाने के, और इनकी स्पीड कुछ ज्यादा ही तेज होती है। और देखो, मैं बाकी लोगों से नाइंसाफी तो बिल्कुल नहीं करता हूँ, अगर मैंने इन विलेजर्स को ट्रेन दी है तो डेजर्ट वाले विलेजर्स के लिए भी मेरे लिए कुछ है।
या डेजर्ट के अंदर घूमना बड़ा ही मुश्किल है भाई, इतनी ज्यादा गर्मी होती है और पैदल चलना तो हालत खराब हो जाती है। और इंडिया के बड़े बड़े डेजर्ट्स के अंदर कैमल्स का बड़ा ज्यादा यूज होता है। तो मैंने डाउनलोड कर लिया है कैमल मोड, जिसकी मदद से मैं डेजर्ट के अंदर कितनी ही दूर जा सकता हूँ और साथ के साथ अपना सामान को भी स्टोर कर सकता हूँ। तो अब लग रहा है ना कि हमारा गेम धीरे धीरे इंडिया जैसा बनता जा रहा है। मैंने काफी सारी चीजें चेंज कर दी हैं, बट ये जो स्ट्रक्चर देखकर मेरे को एक और चीज याद आई, क्यों ना माइनक्राफ्ट के अंदर ताजमहल को ऐड कर दिया जाए। वैसे तो ऑलरेडी माइनक्राफ्ट में बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बट इनमें से एक भी इंडियन लगता है? बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने ऐड कर दिया है अपने सुंदर से ताजमहल को, और जरा इसको देखो यार, ये माइनक्राफ्ट के अंदर भी कितना ज्यादा सुंदर लगता है। और रियल लाइफ की तरह इस ताजमहल को भी देखने बहुत सारे लोग आए हुए हैं। अगर आप कहीं पर भी देखोगे तो आपको हर जगह भीड़ ही भीड़ दिखेगी। रियल ताजमहल की तरह इसमें भी बिल्कुल शाइनी पत्थर यूज करे गए हैं। अगर आप आसपास देखोगे तो आपको ग्रास की आर्ट देखने को मिलेगी, साथ के साथ हर ट्री को बड़े अच्छे से कट कर रखा है। और यार जब हम ताजमहल जाते हैं तो एक चीज जरूर करवाते हैं, फोटो क्लिक करवाना। तो मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिया है कैमरा मोड को, जिसकी मदद से मैं यहाँ पर ताजमहल की फोटोज, यहाँ पर जो लोग आए हुए उनकी फोटोज और आसपास हरियाली की फोटोज खींच सकता हूँ। और जो मैंने ये सारी फोटोज को क्लिक करा है, मैं उसको एक पेंटिंग पर भी लगा सकता हूँ, जिससे कि आसपास के टूरिस्ट इन फोटोज को भी देख सके। बट यार एक छोटी सी दिक्कत है, मेरी फोटो खींचने वाला कोई भी नहीं है यहाँ पर। और गाइज मेरे चैनल पर रोड टू 1 मिलियन चल रहा है, और मैं देख रहा हूँ जो भी मेरी वीडियोस देखता है उसमें से 70% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं कर रखा है। तो अगर आपने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो क्या कर रहे हो यार, जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो। तो जब सब कुछ चेंज हो ही रहा है तो क्यों ना अपने जंगल को भी चेंज कर दिया जाए। यार जंगल में जाने के बाद कुछ डर लगता ही नहीं है, वहाँ पर तो बड़े बुद्धू से एनिमल्स रहते हैं। लेकिन हमारे इंडिया के जंगलों में बहुत ज्यादा खतरनाक एनिमल्स रहते हैं। तो मैंने एलेक्स मॉब्स की मदद से माइनक्राफ्ट के अंदर बहुत सारे एनिमल्स को भर दिया है, जैसे कि हमारे चिंपैंजी, जो हमेशा आपको पेड़ों के ऊपर अपने ग्रुप में देखने को मिलेंगे, और ये लीव्स को खाते हैं। साथ के साथ यहाँ पर एक खतरनाक सा भालू भी है, जो आपके ऊपर बहुत ज्यादा खतरनाक सा अटैक भी कर सकता है। एंड अब आपको इन जंगलों में टाइगर भी देखने को मिल सकता है, जो बिल्कुल पेड़ों के बीच में रहता है और शीप्स को अपना शिकार बना लेता है। एंड इन सब एनिमल्स के बीच में मेरे को टार्जन भी पेड़ों के ऊपर कूदता हुआ दिखा है, जो कि इस एलिफेंट को कंट्रोल कर रहा है। और जितने भी आपको एनिमल्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे टार्जन के दोस्त हैं। और साथ में जो एलिफेंट ने कारपेट लगा रखा है, दिखने में तो बड़ा ही सुंदर है, लेकिन ये एलिफेंट ताकतवर भी बहुत है। अगर इसके पैरों के नीचे कोई आ गया ना तो बेचारा कुचला जाएगा। तो हाँ, अब मैं कह सकता हूँ कि मैंने माइनक्राफ्ट को आधे से ज्यादा माइनक्राफ्ट इंडिया तो बना ही दिया है। और साथ के साथ अब हमारे विलेजर्स बहुत ज्यादा स्मार्ट हो चुके हैं, जो भी ये फार्मिंग करते हैं उन सब्जियों को तोड़कर ये अपनी दुकानों पर बेचते हैं, और जो उनसे उनको पैसा मिलता है उन पैसों से उन्होंने ये हॉर्स कार्ट खरीदी है, जिसकी मदद से ये दूसरे शहरों में जाकर अपनी सब्जियों को बेच सकते हैं। तो ये हुई ना स्मार्ट इंडियन वाली बात। और यार अगर आसपास कोई खाने की चीज है तो आपको चूहे देखने को जरूर मिल जाते हैं इंडिया में, तो आपको माइनक्राफ्ट में भी अब चूहे देखने को मिलेंगे, जो कि आपका खाना चुराकर खा जाए। वेल, अगर आपको इस वीडियो का पार्ट 2 चाहिए तो इस वीडियो पे 75K लाइक्स करवा दो, और अगर आपको ये सारे मोड्स खेलने हैं तो मेरे को इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलना। तब तक के लिए बाय बाय।